देश की मीडिया पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को ममता बनाम मोदी लड़ाई साबित करने पर तुली हुई है, जबकि हकीकत तो यह है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव द्विपक्षीय नहीं त्रिकोणीय है। जोड़ासांको से कांग्रेस के युवा उम्मीदवार अजमल खान ने मीडिया की इस हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की है। परिप्रेक्ष्य आप देखिए तो पश्चिम बंगाल का बाइनोकुलर इलेक्शन कराने की कोशिश प्रेस मीडियम के माध्यम से की जा रही है, किसी न किसी अदृश्य शक्ति के माध्यम से, जबकि ट्रायंगुलर फाइट। बीजेपी और ममता बनर्जी दोनों पर निशाना साधते हुए अजमल खान ने कहा कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बंगाल चुनाव को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। एक क्वाइन का दो साइड होता है, उसी तरह से तृणमूल कांग्रेस और भाजपा एक ही साइड के दो क्वाइन, पूरे इलेक्शंस को कम्युनिटी बेस पे वो लोग ले जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार ने दावा किया कि कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि राज्य में अगली सरकार संयुक्त मोर्चा की ही बनेगी। तो वो 10 साल में क्या किया है इसके ऊपर में ममता बनर्जी को लोगों से वोट मांगना चाहिए था। वो तो आने वाले दिनों में वो क्या करेंगी ये उसके ऊपर में वोट मांग रही। गठबंधन को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस सीपीआईएम आईएसएफ मजबूती से सारे विधानसभा सीट पर लड़ रहा है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम गठबंधन जो हमारी लड़ाई है वो हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म करें। अजमल खान ने कहा कि यह तय है कि दीदी जा रही हैं। व्हीलचेयर पर चुनाव प्रचार करने से चुनाव नहीं जीता जाता है, किसी को भी चोट लग सकती है, लेकिन उन्होंने एक एक्सीडेंट को हमला साबित करने की जिस तरह से कोशिश की है उसका राज खुल चुका है। दीदी जा रही है, ये साफ बोल रहा हूँ, आप 2 तारीख को हमसे मुलाकात कीजिएगा जब लेकिन वो तो व्हील चेयर में बैठ के भी चुनाव प्रचार कर रही है। व्हील चेयर में आप बैठ के चुनाव करके आप ज्यादा सिंपैथिक गेन नहीं कर सकते। ममता बनर्जी या किसी भी व्यक्ति को चोट लग सकता है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, ऊपर से छत का मकान का कोई टुकड़ा टूट के मेरे बदन पे गिर सकता है। एक्सीडेंट को जिस तरह से उन्होंने प्रोपेगेंडा क्रिएट किया था कि उनको मारा गया, ये किया गया, लास्ट में सब रिपोर्ट आई है, यहाँ के होम मिनिस्ट्री ने सारा सबमिट किया, इलेक्शन कमीशन को चीफ सेक्रेटरी ने, सब जान गए कि वो एक्सीडेंट था, ना कि किसी ने षड्यंत्र के तहत उनको मारा था। अपनी कामयाबी को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे अजमल खान ने कहा कि हम जोड़ासांको सीट पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, सीपीआईएम के लोग हमारा साथ दे रहे हैं, सभी का सहयोग हमें मिल रहा है। जहाँ मैं इस विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जहाँ से मैं संयुक्त मोर्चा का उम्मीदवार हूँ जोड़ासांको विधानसभा, यहाँ पे मजबूती के साथ वाम फ्रंट के साथ ही हमारा साथ दे रहे हैं। हर इलाके में, हर वार्ड में, हर बूथ पे कंधे से कंधा मिला के वो मेरा साथ दे रहे हैं। अजमल खान ने कहा कि जोड़ासांको सीट पर 3 उम्मीदवार वोटरों के सामने है, ये त्रिकोणीय लड़ाई है। टीएमसी के जो उम्मीदवार हैं वो मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनका कोई सामाजिक योगदान नहीं है। मैं युवा हूं, 20-22 साल से सक्रिय राजनीति में हूं, मैं इस इलाके को अच्छी तरह से जानता हूं, लोग भी मुझे जानते हैं, इसलिए हमें लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। 3 उम्मीदवार है आपके सामने में, कांग्रेस के संयुक्त मोर्चा के उम्मीदवार, मैं एक तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार और एक भाजपा के उम्मीदवार है। मुख्य रूप से ये त्रिकोणीय लड़ाई है। जो तृणमूल कांग्रेस के सत्तारूढ़ दल के उम्मीदवार हैं उनका राजनीतिक या सामाजिक मैं नहीं जानता कि उनका कुछ है, वो अखबार से जुड़े हैं। अखबार सरकार के खिलाफ लिखने का काम, उनके उसके पॉलिसी जो है जो लोगों की हिमायत में नहीं है उसके खिलाफ, अखबार हो या प्रेस के अलग अलग जिससे डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ है उसके अंदर में लोगों का एक इम्पॉर्टेंट योगदान रहता है। अखबार का मुंह बंद करने के लिए ममता बनर्जी, उनकी सरकार ने अखबार मशरक, चाहे हिंदी से सन्मार्ग, चाहे वो बंगाली न्यूज़पेपर से, इन लोगों को अपने पार्टी में, चाहे वो राज्यसभा के माध्यम से हो चाहे विधानसभा के माध्यम से, अखबार का मुंह बंद करने के लिए, लोगों की आवाज़ को बंद करने का काम किया है। लोग ये भली भांति जानते हैं, उनका कोई सामाजिक सरोकार भी नहीं रहा है। तो लोग बहुत दिनों के बाद जातीय कांग्रेस ने हाथ का निशान को दिया है संयुक्त मोर्चे के रूप में। मुझे एक नौजवान हूँ, सक्रिय राजनीति में पिछले 21-22 साल से रहा हूँ, लोगों से जुड़ा रहा हूँ। आज मेरे दोस्त हैं राहुल पांडे, उनके साथ में हूँ। ये प्रत्याशी बन के मैं यहाँ नहीं हूँ, एक दोस्त के हैसियत से मैं यहाँ आया हूँ। और इसी तरह से हर इलाके में बहुत सारे लोगों का अच्छा रुझान मिल रहा है और हम आप लोगों से अपील करते हैं, खासकर जोड़ासांको के लोगों से, कि आने वाले होली की शुभकामनाएं आप लोगों को, और आप नौजवान को एक बार मौका दें और आप अपने
वोट पे फक्र महसूस करेंगे कि आपने सही व्यक्ति को चुना है।